हमने काफ़ी बुक लॉन्स अटेंड किए हैं बट ऑनेस्टली इस किस्म की आई वुड से एक्सर्ट्स जो उन्होंने पढ़े हैं और जो किस्से सुनाए हैं इट इज़ नॉट जर ऑथर आई थिंक इट्स पोइट्री प्रोज एंड बेमरीर देखिए बचपन जो होता है बहुत खास होता है और मेरे लिए ये तो और भी ज़्यादा रिलेटेबल है क्योंकि मेरी पहली किताब भी बचपन से लेकर अब तक थी सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो दिप्ति जी ने कहीं वो आई रिलेट टू कि बचपन का हर कुछ याद रहता है अभी का शायद भूल जाता है दीप्ती नावल मुझे हमेशा से बहुत बहुत पसंद रही हूँ आज जब उनकी बारी है कि उन, उन्होंने किताब लिखी है तो तो बहुत ही और एक तो असाधारण किताब है देखो उनका जीवन क्या है वो किताब वो चाइल्ड तो हमें पता नहीं होता लेकिन इतना खूबसूरत तरीके से चाइल्ड लिखा जा सकता है एक उम्दा अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली अभिनेत्री दीप्ति नवल की आत्मकथा कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड लॉन्च हुई है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद दीप्ति नवल जी आ, किस तरह से आ, याद करना चाहेंगी अपने बचपन को क्योंकि आपने अपने बचपन को लेकर यह किताब लिखी है और बहुत ही अलग नाम दिया है इस किताब को क्या कुछ कहना चाहेंगी बस ये आत्मकथा नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरी लाइफ के बारे में नहीं है ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये चाइल्डहुड हुड है सिर्फ पहले जो मेरी ज़िंदगी के उन्नीस uh, साल हैं वो इस किताब में आ, उनके बारे तो में कैसे याद करना चाहेंगे उन उन्नीस सालों को जिस तरह बस वो बहुत ज़बरदस्त uh, uh, मुझे लगता है कमाल का एटमॉस्फेयर uh, था जिसमें मैं पली बड़ी फैमिली बैकग्राउंड स्कूल घर का माहौल वो सब इतना इंटरेस्टिंग था जैसे कि वो जक्सटपोज था एक दूसरे के अगेंस्ट वो इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे लगा कि ये तो मैं मुझे ज़रूर लिखना चाहिए अपने बचपन के बारे में hmm. क्योंकि बचपन जैसे मैं अमेरिका में गई और वहाँ से जब पीछे मुड़ के देखा तो लगा कि अरे वो तो कमाल के साल थे hmm. तो उनके बारे में लिखना जरूरी मुझे लगा आई मस्ट राइट सो दिस बुक हैज़ दैट तेरह साल की उम्र में एक किस्सा है कि तेरह साल की उम्र में आप कश्मीर देखने के लिए घर से भाग गई थी और फिल्मों का असर था कौन कौन सी फिल्में आपने देखी थी जब आपको लगा कि अब वहाँ से प्रेरणा लेके आप घर से भाग गई थी बस उन दिनों में सारी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी डल लेक वो चिनार के पेड़ और वादियाँ और स्नो पीक्स तो वो सारा जो माहौल मतलब एक एक फिल्म जो वो शूटिंग उसकी कश्मीर में होती मेरे सनम जब जब फूल खिले कश्मीर आ, की कश्मीर कली आरजू सो मैनी तो कश्मीर एक तरह से जहन पे छाया हुआ था तो ऐसे ही बस इतनी अकल नहीं थी तेरह साल की उम्र थी और चल पड़े निकल गए घर से कि मैं तो कश्मीर जा रही हूँ तो अमृतसर से पठानकोट की पठानकोट से अमृतसर की। पठानकोट के आगे नहीं पहुँच सकी वहीं से वापस ले आए तो वो चैप्टर है पूरा मैंने डिटेल में लिखा है उस रात के बारे में जो मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताई अच्छा अच्छा आ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि और ऐसे कौन से पहलू हैं जिसके बारे में आपने लिखा है आपने बताया कि 19 साल तक की उम्र के बारे में लिखा है और कौन से पहलू जी हम लोगों के हम लोगों पे जो इन चीज़ों का असर था ना अमृतसर बॉर्डर टाउन है बॉर्डर सिटी है लाहौर और अमृतसर में थोड़ा सा फ़र्क है बीच में बॉर्डर आ जाता है तो जब पाक वॉर हुई या चाइना वॉर हुई उन दोनों के बारे में लिखा मेरे बचपन से लेके टीनेज तक के सफ़र के बारे में लिखा कैसे टीनेज कैसे आया किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस रहा हिंदी फिल्मों का बहुत इन्फ्लुएंस था तो उनके बारे में कौन कौन सी फिल्मों ने कैसे कैसे प्रभावित किया वो सब था और पेरेंट्स का जो मे जो मेरे पेरेंट्स की दोनों की पिताजी की और मामा की जो अहमियत है रही है मेरी अपब्रिंगिंग में वो मैंने काफ़ी डिटेल में इस किताब में लिखा है वो तो 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 वही थे, थे मेरे गुरु दोनों पिताजी राइटर थे मामा पेंटर थी डांस का बहुत शौक़ था गाने का बहुत शौक़ था ड्रामा का शौक था तो वो चीज़ें मेरे में दोनों से आई हैं तो वो मैं दोनों को पूरी बराबर जो है वो एक्नॉलेज करती हूँ। आपने बताया कि फिल्में देख देख कर आप बड़ी हुई हैं फिल्मों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है वो कौन सी कौन सा साल था जब आपको लगा कि आपको भी फिल्म की अभिनेत्री बनना चाहिए आई थिंक जो पहले पहले संगम गाइड उससे पहले जिस देश में गंगा बहती है उससे पहले कई कुछ अब इस तरह से याद नहीं है लेकिन ब्लैक एंड वाइट फिल्में जब देखती थी मीना कुमारी की बहुत बड़ी मैं फ़ैन थी तब तो मुझे पता नहीं था फ़ैन होना क्या होता है बस मुझे मीना कुमारी बहुत अच्छी लगती थी स्क्रीन पे। मुझे लगता था एक दिन मैं इनकी तरह स्क्रीन पे दिखाई दूँगी <laughs> आप एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बहुत उम्दा पेंटर भी हैं कविताएं भी लिखती हैं लेखन का आपको बहुत सालों से शौक़ रहा है क्या ये सारे शौक़ जो हैं वो भी बचपन में ही डेवलप हो गए थे जी लिखने का और मेरी मदर क्योंकि वो पेंटर थी और बहुत बढ़िया बहुत अच्छी पेंटर थी तो उन्होंने ही मुझे घर पे पहले स्केचिंग जो है वो डाइनिंग टेबल पे बिठा के सिखाती थी तो वो शुरू से ही शुरू से ही था लेखन और कविता लिखने का पो पोएट्री का और पेंटिंग का शौक़ पहले बचपन से था एक और सवाल जाते जाते कि आपने बचपन से लेकर उन्नीस साल तक की उम्र पर किताब लिखी है क्या इसके आगे इसका सीक्वल हमें देखने को मिलेगा इस किताब का आगे के बारे में भी कुछ नहीं सीक्वल नहीं होगा कोई भी इंडिपेंडेंट है तीन चार किताबें जो लिखना चाह रही हूँ कोई सीक्वल नहीं कह सकती मैं उसको लेकिन पता नहीं कौन सी नेक्स्ट लिखूंगी वो तो अभी मुझे एक्टिंग की दुनिया के बारे में नहीं लिखना चाहेंगी जब आप फिर कभी लिखूंगी लेकिन अभी थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग में ज़्यादा मुझे दिलचस्पी है राधा देन जस्ट सिंपल ऑटोबायोग्राफी तो चार किताबों के आइडियाज आपके पास हैं अभी वो लिखी पड़ी हैं आधी कुछ कुछ तो उसे कंप्लीट करेंगे जी चलिए अभी बी न्यूज से खास बातचीत करके बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू कैमरा मैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन एबीपी न्यूज मुंबई